हे गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू चेंज वॉलपेपर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इस फोन में वॉलपेपर को कैसे चेंज कर पाएंगे, वॉलपेपर पर अपना फोटो कैसे लगा पाएंगे। तो वीडियो को एंड से देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्क्रीन पर, होम स्क्रीन पर जाना है और यहाँ से टू फिंगर से पिंच आउट कर देना है। इस तरीके से आपको पिंच आउट करना है। नेक्स्ट यहाँ से वॉलपेपर्स मिल जाते हैं तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट यहाँ से आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको बहुत सारे प्री इंस्टॉल वॉलपेपर मिल जाते हैं जो कि आप अपनी होम स्क्रीन पर लगा सकते हैं। बट आपको अपना फ़ोटो लगाना है तो यहाँ से आपको गैलरी पर जाएंगे और गैलरी पर जाने के बाद यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करेंगे, जस्ट वन कर देते हैं। और यहाँ से ये फ़ोटो है मेरे पास एक, तो इस फ़ोटो को मैं होम स्क्रीन पर लगा लेता हूँ। तो यहाँ से आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और सेट वॉलपेपर पर क्लिक कर देना है और अप्लाई पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप होम स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं या फिर लॉक स्क्रीन पर, तो मैं दोनों पर लगाता हूँ, तो बोथ पर क्लिक कर देना है और आपका ये वॉलपेपर होम स्क्रीन पर आने वाला है। तो अभी मैं बैक किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा फ़ोटो आ चुका है यहाँ पर होम स्क्रीन पर। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में वॉलपेपर को चेंज कर पाएंगे। और यहाँ से अगर आप लाइव वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो लाइव वॉलपेपर पर जाएंगे, आपका लाइव वॉलपेपर यहाँ पर आ जाएगा जब इंटरनेट आपका यूज होता है। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।